हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि हम एलसीडी को किस तरीके से अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करते हैं। यहाँ पर जो हम एलसीडी यूज करने वाले हैं वो 16x2 यानी 16x2, 16 उसके अंदर कॉलम्स होते हैं और दो रो होती हैं। तो अभी इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो आपको टैकी बज लिखा हुआ आ रहा है, वो एक रो के अंदर लिखा हुआ आ रहा है। उसी के नीचे एक दूसरी रो होती है जिस पर लिखा हुआ आता है हमारा अल्फा न्यूमेरिकल कोड। जिस तरीके से हमने यहाँ ऊपर टैकी बज लिखा है, सेम इसी तरीके से नीचे भी लिखा हुआ आएगा। तो हम आगे वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो ये सारा जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो हम यहाँ पर अब शुरू करने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपनी एलसीडी को, यानी 16x2 एलसीडी जो होती है, LM016 जो एलसीडी का ब्रांड कोड है, उसको हम किस तरीके से अपने इस 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रेंड्स, इसकी जो पिन है, जो इस एलसीडी की पिन होती है, हम उनको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। यानी उसको इंटरफेस करने से पहले हम उसको थोड़ा जान लें कि एलसीडी किस तरीके की दिखती है हार्डवेयर में। तो हार्डवेयर में दोस्तों कुछ इस तरीके की दिखती है। तो देखिए, यहाँ पर ये 1 से लेके 16 तक आपकी पिन दे रखी है, यानी ये सारी पिन जो है हमारी, कुछ इसमें से पिन माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करती हैं और कुछ इसकी पावर के लिए होती हैं। और ये फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक, ये एक, ये इस तरीके से ये 16 कॉलम है। और इस तरीके से आप ये देखिए, जैसे ये मैं अपना कर्सर मूव करा रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, तो ये क्या है, एक रो है और ऊपर वाली एक रो है। तो यानी 16x2 इसलिए है, यानी इसके अंदर 16 कॉलम है और दो रो है। तो अगर आगे देखते हैं तो हम यहाँ पर इसकी पूरी 16 पिन का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि ये पूरी की पूरी 16 पिन किस तरीके से डिवाइड है। तो देखिए, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे हम। तो यहाँ VSS है, यानी ये फर्स्ट पिन जो है वो इसकी ग्राउंड पिन है। फिर नेक्स्ट VCC है जो कि 5 वोल्ट लेती है। फिर है VEE यानी कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल, यानी जो दोस्तों यहाँ पर जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ आ रहा था, अभी आपने देखा जो ये टैकी बज लिखा हुआ आ रहा है, इसकी अगर हम हार्डवेयर पे देखें तो हमें हार्डवेयर पे कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसके साथ हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, एक पॉट कनेक्ट कर देते हैं, यानी वेरिएबल रजिस्टर। जैसे जैसे वो रजिस्टर की वैल्यू को हम घटाते हैं, तो वैसे वैसे क्या होता है, जो करंट है हमारा ज़्यादा जाता है एलसीडी में, और उस करंट के हिसाब से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी ब्राइटनेस। तो हम आगे देखते हैं। अब फिर है ये रजिस्टर सेलेक्ट पिन। रजिस्टर सेलेक्ट पिन दोस्तों होती किस लिए है, इसमें होता क्या है कि ये इस रजिस्टर सेलेक्ट, जैसा नाम है इसका, तो ये एलसीडी के अंदर एक रजिस्टर होता है, तो उसको सेलेक्ट करने के काम में आता है। तो रजिस्टर सेलेक्ट दो ही मोड में काम करता है, एक तो 0 और 1। अगर हम 0 रखते हैं तो वो रजिस्टर क्या करता है कि उस रजिस्टर के अंदर जितनी भी वैल्यू जाती है वो एलसीडी को कमांड के लिए जाती है, यानी एलसीडी को क्या क्या काम करना है वो इसलिए होता है। और अगर हम रजिस्टर सेलेक्ट को 1 कर देते तो वो क्या करता है, रजिस्टर जो उसके अंदर वैल्यू आई होती है वो सीधे स्क्रीन पर भेजने लगता है। तो यानी वो क्या क्या लेता है, अपने जो उसका डाटा आ रहा है वो क्या होता है, वो डाटा होता है जो एलसीडी पे प्रिंट कराना है। और आरएस को अगर हम 0 करते हैं तो वो क्या होता है, कमांड टू एलसीडी होता है। और अगर हम RS=1 कर देते हैं तो वो जो डाटा हम जो भेजना चाहते हैं वो एलसीडी पे चला जाता है, तो वो डिस्प्ले डाटा कहलाता है। फिर दोस्तों आता है RW यानी रीड और राइट। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो है स्क्रीन पर सिर्फ राइट ही कर सकते, रीड तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा इनपुट तो है नहीं ना कि हम यहाँ पे टच पैनल है या कुछ है, तो हम यहाँ से रीड नहीं कर सकते, सिर्फ इस पर क्या कर सकते हैं, राइट। तो राइट के लिए क्या है, 0। तो R और रीड क्या होता है, हाई, यानी R क्या है आपका, 1। तो 1 अगर हम देते हैं तो रीड करता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या, कि आपकी जो एलसीडी है वो बिजी तो नहीं है, वो सिर्फ ये रीड करता है, ना कि यहाँ से कोई इनपुट रीड करता है। और राइट में क्या करता है, जो भी हमारा डाटा है उसको राइट कर देता है डिस्प्ले पर। EN का मतलब है इनेबल, इनेबल लैच के लिए है यहाँ पर, कि EN 1 है तो लैच है और 0 है तो ऑफ है। ये दोस्तों डाटा पिन 0 से लेकर 7 तक, यानी 8 बिट, ये हमारा जो LCD है वो 8 बिट में परफॉर्म करेगा। हम आगे वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि 4 बिट में भी किस तरीके से परफॉर्म करता है, यानी ये सिर्फ 4 बिट जो हमारी जो डाटा की जो 4 बिट आ रही है उनसे भी परफॉर्म करेगा, और ये 8 बिट से। तो हम अभी यहाँ पर 8 बिट मोड देखेंगे,
ये जो एलसीडी है दो मोड में काम करती है, आपकी 8 बिट में और एक 4 बिट में। तो अभी हम यहाँ देखने वाले हैं 8 बिट, और ये लास्ट की दो पिन जो है 15 और 16, एलईडी 5 और एलईडी प्लस 5 वोल्ट और एलईडी नेगेटिव ग्राउंड, ये बैक लाइट होती है एलसीडी की, यानी आपको एलसीडी के अंदर कितनी लाइट चाहिए। जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा तो आप उसकी एलसीडी की ब्राइटनेस बढ़ा लेते हो और घटा लेते हो, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये काम करता है। सो दोस्तों अब यहाँ देखिए आपको एक पिक्सल दिख रहा है, यानी जो हमारा जो एक कैरेक्टर होता है वो किस 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 पे दिखता है, वो एक पिक्सल पे दिखता है। तो देखिए यहाँ पर ये एक इसका कॉलम है, मतलब इसके अंदर भी क्या है, पांच पांच जो है कॉलम है और 8 रो है। तो ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, वो किसी तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पिक्सल का कॉलम है, तो हमको जो अल्फाबेट दिखता है वो इसी पे दिखता है। तो देखिए यहाँ पे एक सिमिली बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पर B2 और D3, यानी B2, यानी B2 क्या है आपकी रो है और D3 क्या है कॉलम है। तो B3 और D3 क्या है हाई है। तो देखिए यहाँ पर कुछ एड्रेसिंग 01010 है, तो ये हेक्स कोड में कुछ इस तरीके से आती है। अगर हम आगे अपना कोई स्पेशल करेक्टर बनाना चाहते हैं तो वो हम इसकी हेल्प से बनाते हैं। तो दोस्तों ये तो था एलसीडी के बारे में, कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या नहीं होती। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है एक पिक्सल, ये उसके अंदर कुछ इस तरीके का एक पिक्सल रहता है जिसके अंदर 8 रो होती हैं और 5 कॉलम्स होते हैं सिर्फ एक पिक्सल के अंदर। फिर ये इसकी जो है पिन डायग्राम है, कि इसके पिन का डिस्क्रिप्शन है कि 0 से लेके 15 पिन, यानी 1 से लेके 16 पिन, 16 पिन कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज करते हैं, ये हम इंटरफेसिंग में देखेंगे अभी किस तरीके से हमें कनेक्ट करनी है। और ये आपका एक्चुअल पिक्चर है जो आपको एलसीडी की देखने को मिलेगी हार्डवेयर पे। और सो दोस्तों ये इसका इंटरफेसिंग पिन डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है यहाँ पर, तो देख लेते हैं एक बार। देखिए पिन वन जो होती है वो VSS होती है, पिन वन जो है VSS होती है, पिन टू VDD होती है, पिन थ्री V0 होती है, और ये सारी किससे कनेक्टेड होती है, पावर सप्लाई से। 4 पिन, 5th पिन, 6th पिन और 7 से लेके 10 और 11 से लेके 14 तक कहाँ किससे कनेक्टेड होती है, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से, यानी MPU से। और 15 और 16 क्या है, LED और ये बैकलाइट पावर सप्लाई होती है। ओके दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रोग्रामिंग किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दिख रहा है आपको कि यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो सिर्फ LCD पे उसकी अपर लाइन पे लिखा है टैग की बज। तो दोस्तों मैं इसकी अब आपको प्रोग्रामिंग दिखाऊंगा कि मैंने प्रोग्रामिंग किस किस तरीके से करी है। अगर आपको ये प्रोग्रामिंग देखनी है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको लिख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग पूरी लिख के दिखाता आपको तो मे बी मेरी वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ी बन जाती, तो इसीलिए मैंने उसका टाइम छोटा रखने के लिए प्रोग्रामिंग को सिर्फ समझाना बेटर समझा। आप इस प्रोग्राम को अगर आपको चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको ये प्रोग्राम सेंड कर दूंगा। सो दोस्तों देखते हैं इसका किस तरीके से हमने कील के अंदर प्रोग्राम लिखा है। सो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंक्लूड रजिस्टर 51.h, यानी हेडर फाइल हमने सिलेक्ट कर ली। फिर हमने P2 पोर्ट, यानी पूरा पोर्ट जो है क्या कर दिया, LCD को डिफाइन कर दिया। तो यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LCD P2, यानी डिफाइन कर दिया है मैंने P2 पोर्ट जो है मेरा। यहाँ पे देखिए यानी ये वाला जो P2 पोर्ट है मैंने पूरा क्या किस नाम से डिफाइन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे एस बिट क्या है, यहाँ पे RS=P3·5, यानी पोर्ट 3 की 5वीं पिन मैंने क्या कर दी है, रजिस्टर सेलेक्ट, यानी उसको RS दे दिया, यानी शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करी है मैंने, नहीं तो मैं चाहता तो यहाँ पे पूरा रजिस्टर सेलेक्ट भी लिख सकता हूँ। तो लेकिन इतना बड़ा नहीं लिखने की बजाय मैंने क्या कर लिया, RS। एस बिट एक और री राइट, यानी रीड और राइट के लिए कर लिया मैंने P3·6 और EN कौन सी ले ली, P3·7 बिट। अब मैंने यहाँ पे दोस्तों तीन फंक्शन बनाए, प्रोटोटाइप फंक्शन जो कहते हैं। पहला है डिले फंक्शन, डिले फंक्शन मैंने आपको बताया था किस तरीके से बनता है, तो ये रहा आपका डिले फंक्शन, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये आपका डिले फंक्शन। फिर यहाँ पे सिर्फ दो फंक्शन काम करेंगे, एक होगा LCD कमांड के लिए कि हमें LCD को क्या कमांड देनी है, और फिर एक दूसरा फंक्शन है LCD डाटा, यानी LCD को क्या डाटा भेजना है। तो दोस्तों यहाँ डिले का क्यों यूज होगा, क्योंकि जब हम कोई डाटा भेजते हैं तो वो क्या होगा, थोड़ा सा हम डिले के साथ भेजेंगे ताकि वो डाटा जो हो हमारा LCD पे वो खराब ना पहुंचे, उसके अंदर बीच में थोड़ा डिले रखेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक डिले फंक्शन भी बनाया है। फिर दोस्तों यहाँ पर ये एक LCD, फिर दोस्तों यहाँ पर ये एक LCD कमांड का फंक्शन बनाया था मैंने,
कि ये एलसीडी कमांड के एलसीडी को क्या कमांड जाएगी। तो ये यहाँ पर कॉल वैल्यू करेगा, यहाँ पर ये कॉल बाय वैल्यूज है, ये जो वैल्यू है जो हम यहाँ पर एलसीडी को देंगे कमांड के अंदर, जो भी डाटा देंगे वो यहाँ पर वैल्यू में आएगा और वो वैल्यू किस पर जाएगी, पोर्ट पर जाएगी। जब पोर्ट पर जाएगी तो एलसीडी कमांड के लिए हमने रजिस्टर सेलेक्ट को क्या बताया था, जब हमें कमांड देनी होती है एलसीडी को तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर सेलेक्ट को जीरो रखते हैं। तो दोस्तों ये हमने रजिस्टर सेलेक्ट को जीरो रखा है। रीड राइट को यानी हमें राइट करना है एलसीडी पे तो हम जिसको जीरो रखेंगे। इनेबल हमने हाई रखा यानी वो सिग्नल जो है अंदर एंटर हो जाए। फिर हमने उसको डिले दिया यानी इतने डिले तक वो अपना सिग्नल अंदर को रजिस्टर के अंदर पुट कर दे, और फिर इनेबल जीरो कर दिया यानी अब वो बंद करे। तो इसी तरीके से ये फिर एलसीडी डाटा है, सेम पोर्ट पर वैल्यू भेजी। अब हमें क्या करना है, डाटा भेजना है। तो डाटा के लिए आर एस क्या हो गया, वन, आर डब्ल्यू हमेशा जीरो ही रहेगा, ई एन वन, डिले और सेम। सेम दोस्तों फंक्शन LCD कमांड और LCD डाटा का सेम ही होता है, बस फर्क क्या होता है कि हमें रजिस्टर सेलेक्ट जो है वो जीरो और वन करना पड़ता है। फिर दोस्तों मैंने एक छोटा सा फंक्शन बनाया है यहाँ पे, void initialize LCD, यानी ये क्या करेगा, जो हमारी इनिशियल कमांड है, पहले हमें डाटा भेजने से पहले हमें जो क्या करना पड़ता है, LCD को सेट करना पड़ता है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, कमांड 0x00 का मतलब होता है कि क्लियर कर दे हमारी जो एलसीडी है, तो यानी क्लियर डिस्प्ले। फिर ये हमारी दूसरी कमांड है, उसका मतलब होता है 8 बिट, यानी हमें 8 बिट में डाटा भेजेंगे और दो लाइन के लिए डाटा भेजेंगे, तो ये दो लाइन पर काम करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये नेक्स्ट कमांड जो है वो है 0x06। तो ये क्या होती है, हमारी 0x06 एंट्री मोड, यानी हमारा जो डाटा है वो अंदर एंटर करेगा इसके। ओके दोस्तों, फिर होती है 0x0C, तो इसका मतलब होता है हमारा जो डिस्प्ले है, जो हमारी डिस्प्ले है वो क्या होगी, डिस्प्ले ऑन, और इसका जो कर्सर है, जो आपको कर्सर दिखेगा वो क्या होगा, कर्सर भी ऑफ होगा, जो आपको कर्सर नहीं दिखेगा। अगर हम यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कराने लगे तो हमें यहाँ पर कमांड लिख देंगे कर्सर ब्लिंक के लिए 0F, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्ले ऑन होगी और जो हमारा कर्सर होता है वो ब्लिंक करेगा। कर्सर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए X80 के बाद जो ये कर्सर है ये ब्लिंक कर रहा है, सेम इसी तरीके से हमारा LCD पे कर्सर ब्लिंक करता हुआ हमें दिखाई देगा। और अब हमने जो कमांड लिखी है 0x080, तो ये क्या होता है, हमारा 80 एड्रेस है किसका, फर्स्ट लाइन का। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों लिख दूंगा C0 तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन के अंदर जंप कर जाएगा, यानी वो नेक्स्ट लाइन का एड्रेस है। तो अभी हमें जो प्रिंट कराना है वो फर्स्ट लाइन में प्रिंट कराना है, तो ये 80 एड्रेस है किसका, फर्स्ट लाइन का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट लाइन एड्रेस, ये फर्स्ट लाइन का एड्रेस है। तो देखिए अब मेन प्रोग्राम मेरा शुरू हुआ, तो सबसे पहले void main, एक मैंने अनसाइंड कैरेक्टर लिया, कितना बड़ा एरे लिया वो मैंने 20 कैरेक्टर का, तो उसके अंदर एक एरे के अंदर 20 कैरेक्टर है, तो देखिए ये स्पेस भी काउंट होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो एक्चुअल में मेरे एरे में कितने हैं, 16 है सिर्फ, तो लेकिन यहाँ पर 20 का एरे है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने इसके अंदर एरे के अंदर कितने वैल्यूज रखी हैं, 16 वैल्यूज रखी हैं। इस एरे की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या लिया है, एक इंटीजर लिया है एक्स, फिर हमने यहाँ पे अपने जो इनिशियलाइज एलसीडी कमांड है उसको कॉल किया है। तो जैसे ही यहाँ पर ये कॉल किया है हमने, तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, पहले ये एग्जीक्यूट होगा एलसीडी कमांड 01, और जब ये वैल्यू कहाँ जाएगी एलसीडी कमांड की, सीधे इस वाले प्रोटोटाइप में जाएगी, फिर ये यहाँ पे प्रोसेस करेगा इसको, इसी तरीके से कंटिन्यूस प्रोसेस करके ये ख़त्म करके, इस वाले फंक्शन को ख़त्म करके कहाँ आएगा, वाइल वन के अंदर आएगा, और एक्स को क्या कर देंगे हम, जीरो, यानी जीरो से शुरू करना है हमें। फिर एलसीडी को मैंने क्या कमांड दिया, 0x01, यानी क्लियर कर दे डिस्प्ले पे जो भी पहुंचा हो। फिर हमने वाइल लूप डाला है, कब तक के हमारा जो है नल ना आ जाए, यानी हमें पता है एरे के लास्ट में क्या होता है, नल होता है, तो वो नल तक चेक करेगा कि अगर नल आता है तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। और इसी तरीके से एक्स की वैल्यू को क्या कर दिया हमने,
प्लस कर दिया और एक डिले के साथ उसको प्रोवाइड कर दिया। तो ये थी इसकी दोस्तों प्रोग्रामिंग। तो अब हम इसको प्रोग्रामिंग को टारगेट पे जाके हमने सेट कर रखा है कि किस किस नाम से हेक्स फाइल बनाई है, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये हेक्स फाइल, इसकी यहाँ पर ये जीरो एरर जीरो वार्निंग के साथ ये एग्जीक्यूट हो गई। अब हम यहाँ पर इसकी हेक्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट हेक्स फाइल, ओके। और ये हमने इसको यहाँ पर लिखा हुआ आ गया क्रिएटिंग हेक्स फाइल ऑब्जेक्ट टैकीबज, ओके। तो अब हम इसका प्रोटीएस पे जाएंगे और प्रोटीएस पे सेम किस तरीके से हम अपलोड करते हैं, डबल क्लिक, यहाँ से अपनी हम फाइल पिक करेंगे। तो हमने फाइल कहाँ बनाई है तो देखते हैं। तो ये रहा हमारा lcdtechiebuzz.hex, ये हमने लोड किया और ये इसको हमने रन किया। तो देखिए आपको यहाँ पर ये देखिए डाटा पे सिग्नल जाता हुआ दिखाई दे रहा है और EN10 हमें ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों सेम इसी तरीके से ये क्या है, ये जा रहा है हमारा सिग्नल। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये सिग्नल है अभी हमारी फर्स्ट लाइन पर आया है टैकीबज़ लिखा हुआ, और अब हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट पर भी आए और सेकंड लाइन दोनों पर आए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, बस एक छोटा सा चेंज करेंगे अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर। बस हम यहाँ से ये इतना फंक्शन उठाएंगे कॉपी, और दो स्पेस देके अब हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड लाइन, और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ जो कमांड को दिया है मैंने वो क्या दिया है, कमांड दे दी मैंने C0, ओके फ्रेंड्स। और ये मैंने यहाँ पर कमांड दी C0, यानी जो मैंने नेक्स्ट लाइन का एड्रेस दे दिया तो जंप कर जाए मेरा नेक्स्ट लाइन में और फिर से यही मेरा डाटा शुरू हो जाए प्रिंट होना। तो अब देखते हैं कि अब इसको किस तरीके से देखेंगे। ये हमने बिल्ड करा तो यहाँ जीरो एरर जीरो वार्निंग, और ये हमने यहाँ पर काटा और ये फिर से इसको रन किया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सिग्नल मेरा जाना शुरू हो गया। तो अब ये TECKYBUZZ, और अब देखिए ये थोड़ी ही देर में नेक्स्ट लाइन पर भी अब मेरा प्रिंट करने वाला है। तो देखिए दोस्तों अब ये मेरा दोनों लाइन में प्रिंट करने लगा। तो दोस्तों अब आपने देखा कि हम किस तरीके से इसको सिग्नल को देते हैं अपने LCD पर। तो ये दोस्तों 8-bit मेथड था कि हम पूरा का पूरा पोर्ट यूज करके हम किस तरीके से LCD को कोई भी अपना सिग्नल दे सकते हैं। तो जैसे अभी अब मैंने यहाँ पर ये TECKYBUZZ की जगह अगर मैं चाहता हूँ कुछ और लिखना, तो बस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस TECKYBUZZ की जगह यहाँ डाल देता हूँ PLZ please SUBSCRYE subscribe। तो कितने कैरेक्टर हो गए इसके अंदर हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। सो दोस्तों ये हमने क्या लिखा, प्लीज सब्सक्राइब। या एक काम करिए, अब हम चाहते हैं पहली लाइन में हमारा लिखा हुआ आना चाहिए TECKYBUZZ और दूसरी लाइन में क्या आना चाहिए, कंट्रोल सी प्लीज सब्सक्राइब। तो दोस्तों यहां लिखते हैं अब हम PLZSUBSCRYE, ओके फ्रेंड्स। तो अब ये कुछ लिखा हुआ आएगा इस तरीके से। तो अब हम यहाँ देखेंगे और ये इस ए की जगह हम डाल देंगे इस एरे को बी, और यहाँ पर ये लिखेंगे हम बी ऑफ एक्स, और यहाँ पर भी बी ऑफ एक्स, और ये हमने इसको बिल्ड किया और सेम इसको मैंने ये रन किया। तो देखिए क्या लिखा हुआ आएगा दोस्तों यहाँ पर, देखिए TECKYBUZZ, और अब ये हमारा जो सिग्नल है वो नेक्स्ट लाइन के लिए जंप कर गया है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ आएगा प्लीज सब्सक्राइब। सो दोस्तों इसी तरीके से हम एरे के अंदर वैल्यूज चेंज करते हैं और अपनी जो डिस्प्ले है उस पर हम प्रिंट कराते हैं।
और जितनी भी बहुत सी कमांड्स हैं इसके अंदर के हमें शिफ्ट करानी होती है, जैसे आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशंस या किसी भी एक डिस्प्ले पे देखते होंगे कि वहां पर क्या होता है, जो आपका जो राइट टू लेफ्ट क्या होता है लिखा हुआ रन करता रहता है, शिफ्ट करते रहते हैं, तो वो भी हम इसी के अंदर एक कमांड होती है उनको यूज करके लिखते हैं। तो हम वो चीज़ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम इसमें 4 बिट बताएंगे कि हम इस पोर्ट को यानी D0 से 7 तक यानी हमने कितनी बिट यूज़ करी, 8 बिट, और अब हम किस मोड में यूज़ करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में 4 बिट के अंदर। तो हम 4 बिट में किस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम 4 बिट के साथ इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। और उसके बाद जब ये सारे इंटरफेसिंग ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको रोबोटिक्स प्रोजेक्ट के ऊपर बताऊंगा कि हम अपने छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाते हैं इन सारी चीज़ों को एक साथ इंटरफेस करके। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।